चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव ने रहुआ अब अभिनेता से नेता बन चुके हैं। वो आजमगढ़ से बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव ने रहुआ अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के लिए निरहुआ ने बड़े ही जोर शोर से कमर कस लिया है। वह प्रतिदिन कई सारी सभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी सभाएं को हमेशा फेसबुक और सोशल मीडिया पर लाइव किया जाता है। सभा देखने से यह पता चलता है कि उनके सभा में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलता है। इसी कड़ी में उनके सपोर्टर भी बहुत सारे लोग होते चले जा रहे हैं। तभी तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग निरहुआ को सपोर्ट करने के लिए आजमगढ़ की धरती पर नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में भोजपुरी फिल्मों की रानी चटर्जी भी अब आजमगढ़ की धरती पर निरहुआ के लिए वोट मांगने वाले। जी हां, मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो रानी चटर्जी भी अब निरहुआ के लिए वोट मांगते हुए आजमगढ़ की धरती पर नजर आ सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक रानी चटर्जी की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि वो आजमगढ़ की धरती पर निरहुआ के लिए वोट मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, लेकिन खबर तो यही आ रही है कि रानी चटर्जी भी अब दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि निरहुआ के साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से छोटे से बड़े स्टार लोग निरहुआ के लिए वोट मांगते हुए आजमगढ़ की धरती पर नजर आ रहे हैं और सभी लोग उनका स्वागत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि क्या आजमगढ़ की धरती से दिनेश लाल यादव निरहुआ जीत पाएंगे, वो भी अखिलेश यादव के खिलाफ, या तो चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन इतना तो जरूर हो चुका है कि निरहुआ कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को थोड़ा बहुत तो नुकसान जरूर पहुंचाने वाले हैं।